हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है जो कि आज तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं करा है। तो आज मैं अपना जो भी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया था उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। इस इंटरव्यू कंपनी का नेम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, और तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड था उनका इंट्रोडक्टरी कॉल। एक एचआर ने मुझे कॉल करा, आई थिंक वो 10 to 15 minutes का इंटरव्यू कॉल था। जस्ट वो गो थ्रू हो रहे थे कि मैंने अभी तक क्या क्या करा है, व्हाट इज़ माय बैकग्राउंड, व्हाट एम आई, वो इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स, कि आई एम सुटेबल फॉर दैट जॉब और नॉट। ओके, एंड ये जो मेरा प्रोफाइल के लिए था, ये था कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर के लिए। एंड इसमें फिर इसके बाद में मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड एचआर मेरा कंप्लीट हुआ। देन सेकेंड राउंड होता है मेरा टेक्निकल राउंड। इन सेकेंड राउंड टेक्निकल राउंड अराउंड आई थिंक इट गोज़ अप टू द 45 minutes। ये 45 minutes चला और इसमें हमसे ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए। एक डीएसए क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक इसमें सबसे पहले तो स्टार्ट करा इन्होंने जावा से, जावा के बेसिक्स पूछे, व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। और फिर इसमें जो मोर फोकस था ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर था, तो इसमें ना मोर फोकस था एपीआई के थ्रू, एपीआई के बेसिस पे। तो API में इन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज़ API टेस्टिंग, व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड। ओके, एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक मेरे से DSA क्वेश्चन पूछा। DSA क्वेश्चन बेसिकली एक मेरे को एक सिनेरियो दिया गया था। एक हमारे पास में कैलकुलेटर, मतलब जैसे हमारे ATM होता है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5000 है, 5000 रुपीज़ हैं, तो हमको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ करेंसी। मींस फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़, 2000 के हमारे पास 2 नोट, 4000 हो गए, एंड 1000 हमारे पास बनेंगे 500 into 500 के 2 नोट्स, तो ये हमारे बन गए 5000। तो ऐसे ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करके, एक ATM जैसा ATM हमको विड्रॉ करके देते हैं, तो हमको वैसे ही फाइंड आउट करना था। सेकेंड राउंड ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड। अब हमारा था थर्ड राउंड। थर्ड राउंड भी हमारा टेक्निकल था। उसमें हमसे मोर फोकस ये था हमारे पास में API और बैकएंड के थ्रू। मैंने उसमें भी ज़्यादातर, इन्होंने मेरे से वाटरफॉल मॉडल्स के बारे में हमसे ज़्यादातर पूछा कि वाटरफॉल मॉडल हमारे पास, एजाइल मॉडल क्या होते हैं, ये पूछा था। और 1 DSA क्वेश्चन था जो कि हमारे पास, आई थिंक मैं उस क्वेश्चन को तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो जहाँ तक था लिंगलिस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, मीडियम लेवल लीड कोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं था। वो हो गया था मेरे से इजिली। मैंने उसको पहले ब्रूट फोर्स पे जाया, फिर ऑप्टिमाइज, देन फिर उसके बाद में वो हमारा कंप्लीट हो गया था। वो भी हमारे पास 45 to 1 hour चला हमारे पास थर्ड राउंड। अब इसके बाद आता है हमारे पास कल्चरल फिटमेंट राउंड और टेक्निकल राउंड। मेरे को एचआर ने बोला था कि दिस इज़ द लास्ट राउंड, जो कि हमारे पास कल्चरल फिट राउंड है वो होगा। मैं बड़ा चिल था कि कल्चरल फिट राउंड है, इसमें टेक्निकल नहीं पूछने वाले हैं। बट एचआर ने, जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर था, उसने आते ही सबसे पहले टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। उसने मेरे से, आई थिंक मेरा जो इंटरव्यू था वो सबसे शॉर्ट पीरियड का इंटरव्यू रहा था। आई थिंक 8 minutes का इंटरव्यू था। उसमें मेरे से 5 questions उन्होंने पूछे थे, वो भी मोर फोकस टू API बैकएंड। दैट उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कभी फुल फ्लैज बैकएंड प्रोजेक्ट बनाया है, कि आपने बैकएंड पे क्या काम करा है, और कि आपको वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल कहाँ पर यूज़ करना पड़ा रियल सिनेरियो में, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड। इसके बाद में बस यहीं तक मेरा राउंड हुआ। इसके बाद में मेरे पास में एक दिन बाद, या आई थिंक 2 दिन बाद मेरे पास उनका मैसेज या फिर उनका मेल आता है कि दैट आई एम नॉट सेलेक्टेड। तो मैं शॉक्ड था, क्योंकि मेरे पास जो कल्चर फिट राउंड था उसमें उन्होंने, आई थिंक दे आस्क मी 5 questions, और उसमें से मैंने 5 में से 4 questions बिल्कुल क्लियरली आंसर करे थे। बट एक क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, तो मेरा नहीं हो पाया वहाँ पर। तो बस यही था मेरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी कंपनी थी, ये मेरा था सिंगजी का कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर, और इसका लोकेशन था बॉम्बे, मुंबई का लोकेशन था इसका, मुंबई या फिर बैंगलोर, वो चूज़ करने को था आपको। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी स्केलर अकेडमी के थ्रू। तो बस यही था मेरी आज की वीडियो में। अगर होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई नो कि थोड़ा सा वीडियो में वो क्वालिटी नहीं है, वो एडिटिंग नहीं है, बट आई एम लर्निंग। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे को, एंड इस वीडियो का एम रखते हैं एटलीस्ट 10 likes, प्लीज़। 10 likes तो आप कर ही सकते हैं ना, 10 likes एंड 10 comments प्लीज़। एंड या मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे at 10 PM। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।